Hello friends, you are welcome to our Literary Channel Academic Domain. Today I am going to talk about the poem The Deserted Village by Oliver Goldsmith. So in this video I will mention few points about Oliver Goldsmith, our poet, and there will be background of the poem, about the poem, then summary of the poem. और जो poem की summary होगी उसमें मैं कुछ जो important lines है उसको यहाँ पे mention करूँगा ताकि ये समझना इजी हो जाए कि हाँ पोएम में जो इम्पोर्टेंट पोएम की थीम है वो क्या है। तो इससे पहले और ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ, Oliver Goldsmith was born in 1728 and died in 1724. He was an Irish novelist, playwright and poet. वो एक आयरिश नावलिस्ट, प्लेराइट और पोएट थे। His best known works are The Vicar of Wakefield, a novel published in 1766, The Deserted Village, a pastoral poem published in 1770, and his plays The Good-Natured Man, published in 1768, and another play She Stoops to Conquer, published in 1771 and first performed in 1773. Now, while talking about the poem The Deserted Village, so while talking about the background, The Deserted Village is a pastoral elegy by Oliver Goldsmith, published in 1770. The Deserted Village जो है Oliver Goldsmith ने इसको लिखा है, कंपोज किया है और एक पास्टोरल एलिजी है जो 1770 में पब्लिश हुई थी। द सेंट्रल इमेज ऑफ दिस 430 लाइन पोएम इज टिटुलर विलेज ऑफ अर्बन, द डिक्लाइनिंग बॉयहुड होम ऑफ द नरेटर। तो ये एक लेंदी पोएम है जिसमें 430 लाइनें, 430 लाइनें हैं और ये एक विलेज है जिसका नाम अर्बन है, उसके डिक्लाइनिंग के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, यानी उस विलेज को, वो विलेज कैसे डिजर्ट हो गया, यानी वो विलेज कैसे बर्बाद हो गया या किस तरह से वहाँ से लोग जो है किसी और जगह दूसरे कंट्री में कैसे चले गए हैं। तो ये हो सकता है कि हालांकि ये विलेज का कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस नाम का शायद, मगर ये लोगों का एक गेस है, लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो नरेटर है, जो पोएट है, वो अपने बॉयहुड बचपन में जहाँ पे था, जिस विलेज में था, उसने उसका जो है यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं, इट आइडियलाइजेज अ रूरल वे ऑफ लाइफ दैट वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एग्रेरियन विलेजर्स, द ग्रीड ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। तो इस पोएम में पोएट एक ऐसे विलेज के बारे में बात करता है जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो बर्बाद कर दिया गया है, किस लिए, और वहाँ पे जो भी विलेजर्स थे, जो भी फार्मर्स या विलेजर्स थे, वो लोग कहाँ उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी वो कहीं और चले गए, दूसरे कंट्री में चले गए, दूसरे सिटी में चले गए, और ये जो लैंडलॉर्ड्स है उनके जो ग्रीड है, जो लालच है, या फिर इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल चेंजेस है, उसका असर उस विलेज पे क्या हुआ है, उसका असर यानी उसकी वजह से लोग क्यों वहाँ से कहीं और चले गए हैं और वो विलेज क्यों बर्बाद हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉज इंक्रीजिंग इनक्लोजर, एरिस्टोक्रेट्स सॉट टू एक्सटेंड देयर लार्ज एस्टेट्स बाय परचेजिंग लैंड प्रीवियसली रन बाय स्मॉल प्राइवेट फार्मर्स। तो फिर उसमें क्या है, जो एक लॉ आया, लॉ ऑफ इंक्लोजर, इंक्लोजर मीन्स यहाँ पे जैसे लोग अपने ज़मीन की फेंसिंग करने लगते हैं, चार दीवारी जो है खड़ी करने लगते हैं, तो वो जो लॉ आया उससे क्या हुआ, जो वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स थे, जो वेल्दी लोग थे या फिर जो लैंडलॉर्ड थे, वो लोग क्या किए, जो जो प्राइवेट फार्मर्स थे, इट मीन जो वहाँ के जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनकी ज़मीन को ये लोग परचेस कर लिए और उसकी वजह से वो क्या हुए, वो बेघर हो गए। कुछ तो कुछ लोगों ने तो बेच दिया, मगर कुछ लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें ले ली गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो उस विलेज के रहने वाले थे, जो विलेजर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो बेघर हो गए। अनविलिंग टू वर्क फॉर द लैंड ओनर्स, द रेजिडेंट्स लीव द विलेज फॉर मिजरेबल अर्बन लाइफ इन इंग्लैंड और अमेरिका।
और जब उनकी ज़मीनें ले ली गई, उनके लैंड्स या उनके घर ले लिए गए, तो फिर वो जो विलेजर्स थे वो उन लैंड ओनर्स को, जो लोगों ने उनकी ज़मीनें परचेज कर ली थी, खरीद ली थी, उसके यहाँ काम करने का उन लोगों का दिल नहीं कर रहा था, और इसकी वजह से क्या किए, वो इंग्लैंड या अमेरिका चले गए या सिटीज़ में चले गए। इट इज़ अ वर्क ऑफ सोशल कमेंट्री एंड कंडेम्स रूरल डीपॉपुलेशन एंड द परस्यूट ऑफ एक्सेसिव वेल्थ। इस ये पोएम में क्या एक सोशल कमेंट्री है, जब हम इसको देखेंगे, अगर हम उस दौर का या उस एज का सोसाइटी के बारे में अगर हम देखते हैं, तो ये एक सोशल कमेंट्री है। यानी उस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी या उस वक्त जो सोशल सिचुएशन क्या थी, उसको इस पोएम में इसने मेंशन किया है। और ये बोल ये इसलिए कहता है कि इट इज़ अ वर्क ऑफ सोशल कमेंट्री एंड कंडेम्स रूरल डीपॉपुलेशन एंड द परस्यूट ऑफ एक्सेसिव वेल्थ। और ये रूरल डीपॉपुलेशन यानी जब विलेज से जो पॉपुलेशन कम कर दी गई, आबादी कम कर दी गई, लोगों को बेघर कर दिया गया, लोगों को अपना घर छोड़ कर जाने पर मजबूर कर दिया गया, लोगों को विलेज खाली करने पर मजबूर कर दिया गया, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो लोग बहुत पैसे के पीछे भागना चाहते हैं, वेल्थ बहुत बहुत वेल्दी बनना चाहते हैं, ये उन सब पर एक तरह की कमेंट्री है, एक तरह की क्रिटिसिज्म है हम कह सकते हैं। द लोकेशन ऑफ द पोएम डिजर्टेड विलेज इज अननोन बट इट मे हैव बीन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ रूरल आयरलैंड। हम जानते हैं कि ओलिवर गोल्डस्मिथ एक आयरिश पोएट था, ही बिलोंग्स टू आयरलैंड, आयरलैंड से बिलोंग करता था, और ये जो पोएम का नाम है जैसे ऑबर्न है, ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर ये गेस किया जाता है कि वो जिस विलेज में पैदा हुआ था, जहाँ पला बढ़ा था, उसने उस विलेज के यहाँ पे नक्काशी किया है, या उस विलेज के यहाँ पे उसने मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है। द पोएम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट्स एंड डिस्क्राइब्स द डिक्लाइन ऑफ विलेज एंड द इमिग्रेशन ऑफ मैनी ऑफ इट्स रेसिडेंट्स टू अमेरिका। और ये पोएम हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट राइम्ड कपलेट होते हैं, जिसमें राइम्ड कपलेट जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं, उसको हीरोइक कपलेट बोलते हैं। तो और ये पोएम भी हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और इसमें जो पोएट है एक विलेज के डिक्लाइन के बारे में बात करता है, यानी विलेज जो डिजर्ट हो गया था, यानी जिसको लोग डिजर्टेड विलेज जो था, यानी जिसको लोगों ने छोड़ दिया या लोगों से छुड़वा दिया गया, या लोगों को बेघर कर दिया गया, उनकी ज़मीनों के घर ले लिए गए, और लोगों को अमेरिका जाने या कहीं और जाने पर मजबूर किया गया, तो ये पोएम उन सब के बारे में डिस्क्राइब करती है। द डीपॉपुलेशन माइट बी बिकॉज ऑफ द परस्यूट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड बट रीजन नो वेयर मेंशन इन द पोएम। तो ये जो डीपॉपुलेशन है, जो विलेज से लोगों को निकाल दिया गया है, यानी उनको बेघर कर दिया गया है, तो ये हो सकता है कि जो वहाँ की लोकल जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी कि इंटरनेशनल ट्रेड करना है, यहाँ पे जो है जो भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना है या जो भी चीज़ें बनवाना है, मगर यहाँ पर इस पोएम में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये विलेज डीपॉपुलेशन क्यों हुआ है, यानी इस विलेज से लोगों को क्यों निकाल दिया गया है, यहाँ पोएम में उसका रीज़न कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे पोएम की समरी है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि पोएम की मैं कुछ लाइनें लूँगा, और ताकि फिर उसके बाद ये इजी हो जाएगा समझने में भी कि इस पोएम में इन रियलिटी है क्या। तो द पोएम ओपन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ विलेज नेम्ड ऑबर्न रिटन इन द पास्ट टेंस। तो पोएम एक विलेज है, जो एक विलेज ऑबर्न है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है पोएम में। ये स्टार्ट ही ऐसे होती है कि, और ये पास्ट टेंस में है क्योंकि ये विलेज कैसा था, यहाँ पे पोएट ने बताने की कोशिश की है। स्वीट अर्बन लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर द लेबरिंग स्वेन वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड एंड डिपार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड। तो यहाँ पे पोएट बोलता है कि स्वीट अर्बन, ये अर्बन उस विलेज को बोलता है कि स्वीट अर्बन, यानी जो एक बहुत ही लवलीस्ट, बहुत ही स्वीट विलेज था ऑबर्न, जहाँ पे लोग बहुत हेल्दी थे, और
और जो वहाँ के फार्मर्स थे, जो विलेजर्स थे, उनके लिए जो बहुत ही खुशी का सामान था, वहाँ पे बहुत ही सेटिस्फाई थे, बहुत ही हैप्पीली वो लोग वहाँ पे अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे। वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड, बोलता है कि जहाँ पे स्प्रिंग यानी जो इसका स्प्रिंग सीजन था, यानी जो बाहर का मौसम बहुत जल्दी आ जाया करता था, और जो समर सीजन में जो फूल हुआ करते थे बहुत देर तक वो ऐसे ही खिले रहते थे। यानी यहाँ पे इसके पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा विलेज था, वहाँ पे लोग बहुत खुश थे, हेल्दी थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ हम देखते हैं। द पोएम देन मूव्स ऑन टू डिस्क्राइब द विलेज इन इट्स करंट स्टेट, रिपोर्टिंग दैट इट हैज बीन अबैंडन्ड बाई इट्स रेजिडेंट्स विद इट्स बिल्डिंग्स रुइन। पहले स्टैंजा में या जो जो पहली कुछ लाइनें हैं, पहली कुछ लाइन्स हैं, उसमें पोएट जो है ये बोलता है कि यह विलेज कैसा था, कितना हैप्पी विलेज था, मगर अभी इस यहाँ पे अभी पोएट बोलता है कि अब ये उसकी करंट स्टेटस क्या है। वो जो वहाँ के जो घर थे, जो बिल्डिंगें थी, वो कैसा जो है बर्बाद हो गई हैं, और वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो लोग थे, उन्हें किस लिए, उन्हें क्यों वो छोड़कर जाना पड़ा। द संक आर दाई बोर्स इन शेपलेस रुइन ऑल, तो जो तुम्हारे, फिर बोलता है कि ये विलेज को जैसे एड्रेस करता है, बोलता है कि जो तुम्हारे वहाँ पे बिल्डिंगें थी, जो हाउसेस थे, वो तो क्या हुए, अभी बर्बाद हो गए हैं। एंड द लॉन्ग ग्रास ओवर टॉप द माउल्डरिंग वॉल्स, और वहाँ पे दीवारों पर क्या है, बड़ी बड़ी घास उगाई है। एंड ट्रेम्बलिंग शिवरिंग फ्रॉम द स्पॉयलर्स हैंड, फार फार अवे दाई चिल्ड्रेन लीव द लैंड, और वो जो घास है या वो जो बिल्डिंग है ऐसा जैसे हिल रही है, यानी घास वगैरह वहाँ पे पूरी दीवारों पर हो गई है, घरों पे हो गई है, और जब हवा चलती है तो हिलती है वो। और या फिर ये बोलना चाहता है कि जो स्पॉयलर्स थे, जो जिन लोगों ने विलेज ले लिया है, जिन लोगों ने घरों को बर्बाद कर दिया है, उनकी वजह से ये हालत हुई है, और यहाँ के जो बच्चे थे, जो यहाँ के लोग थे उस विलेज के, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ गया, दूसरे कंट्री में जाना पड़ गया, उन्हें सिटी में जाना पड़ गया, अपने विलेज और अपने घरों को छोड़कर। देन अगेन आफ्टर नॉस्टैल्जिक डिस्क्रिप्शन द ऑफ ऑबर्न पर्सन स्कूल मास्टर एंड एल हाउस, गोल्ड स्मिथ मेक्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन असर्पेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बाई द वेल्दी पीपुल। तो फिर अब यहाँ पे जो पोएट है ये मेंशन कर, इससे पहले मेंशन करता है जो पार्सन वहाँ के हैं, जो क्लर्जी है, यानी जो प्रीस्ट हैं, या फिर स्कूल मास्टर, या फिर एल हाउस जो वाइन शॉप्स वगैरह थे, तो उन सब को मेंशन करने के बाद अब जिन लोगों ने उनके लैंड ले लिया है, जिन लोगों ने वो जो वहाँ के फार्मर्स थे उनके लैंड जिन लोगों ने ले लिया है, अब ये उन पर अटैक करता है, वो उनके बारे में बात करता है। क्या बोलता है, द मैन ऑफ वेल्थ एंड प्राइड टेक्स अप अ स्पेस दैट मैनी पुअर सप्लाइड। फिर यहाँ पे पोएट बोलता है कि द मैन ऑफ वेल्थ एंड प्राइड, वो जिन लोगों के पास बहुत पैसा था, जिन लोगों के पास बहुत घमंड था, यानी एरिस्टोक्रेट पीपुल और द वेल्दी पीपुल, या जो लैंड लॉर्ड्स थे, उन लोगों ने क्या किया, वो सारी ज़मीनें सबको ले लिया है, उनके घरों को ले लिया है, उनके फील्ड को ले लिया है, जिससे वहाँ के विलेजर्स, जिससे वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। स्पेस फॉर हिज लेक हिज फ्रेंड्स हिज पार्क एक्सटेंडेड बाउंड्स स्पेस फॉर हिज हॉर्स इक्विपेज एंड हाउंड। तो वो जो स्पेस है जहाँ पे वो लोग विलेजर्स रहते थे, वहाँ पर अभी लोग क्या किए, अपने लेक, अपने पार्क, अपने घोड़े के लिए जगह बना दिए, अपने कुत्तों को पालने के लिए जगह बना दिए, यानी उनके घरों को बर्बाद करके ये लोग अपने यूज़ में लाने लगे हैं। नाउ अब देखते हैं पोएट क्या मेंशन करता है। द पोएम लेटर कंडेम्स द लक्जरी एंड करप्शन ऑफ द सिटी एंड डिस्क्राइब्स द फेट ऑफ अ कंट्री गर्ल हु मूव्स देयर। तो अब हम देखते हैं कि जब लोग वहाँ विलेज से चले गए हैं, लोग सिटी में, यहाँ वहाँ किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं, तो उनका वहाँ पर क्या हाल है। यहाँ अपने विलेज में, अपने घर में लोग बहुत खुश थे, जो भी अपना जो भी एग्रीकल्चर का काम करते थे लोग बहुत खुश थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं था, मगर अभी जब वो दूसरे कंट्री में चले गए या सिटी में चले गए, तो वहाँ पर उनका क्या हाल है। यहाँ पर पोएट ने सिर्फ एक गर्ल का एग्जाम्पल लिया है,
और बाकी सारे लोगों का वही हाल था। तो वेयर द पुअर हाउसलेस शिवरिंग फीमेल लाइज। अब बोलता है कि अब जब सिटी में जाने के बाद उनका क्या हाल हुआ, कि वहाँ पर एक पुअर, एक फीमेल, एक जो गर्ल है वो कांप रही है और ऐसे वहाँ पर क्या हुआ, पड़ी हुई है, यानी उसको सही से खाना नहीं पा रहा है और उसको कोई जॉब, कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पर नहीं है। शी वंस पर हैज इन विलेज प्लेंटी ब्लेस हैज वेब एट ट्रेल्स ऑफ इनोसेंस डिस्ट्रेस। और पर जब वो वहाँ गांव में थी, अपने विलेज में थी, तो उसको सारी फैसिलिटी वहाँ पे थी, वो वहाँ पे खुश थी, हैप्पी थी, मगर अभी बस उसको अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। उसको उसके ज़मीन, उसका घर सब कुछ ले लिया गया है और उसको शहर में आने पर मजबूर कर दिया गया है और यहाँ पर उसका ये हालत है जिसे अपनी अपनी किस्मत पर उसको रोना आ रहा है। हर मॉडेस्ट लुक्स द कॉटेज माइट एडॉर्न स्वीट एज द प्रिमरोज पीप्स बीनीथ द थॉर्न। अगेन पोएट मेंशन्स हियर व्हेन शी वाज इन द विलेज। जब वो विलेज में थी तो अपने कॉटेज में ही थी, तब भी वहाँ पर वो बहुत ही अच्छी थी और वहाँ पर उसको अप्रिशिएट किया जाता था, यानी वो अपने कॉटेज में बहुत खुश थी और वहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे उसके कॉटेज में जैसे थॉर्न या जो कुछ भी था उसमें वो एक फूल की तरह थी, उसमें एक फ्लावर की तरह थी, यानी वहाँ पर वो बहुत ही खुश थी, उसे कोई टेंशन नहीं था। मगर अभी शहर में आने के बाद उसका यह हाल हुआ है कि उसको सही से खाने को नहीं मिल पा रहा, सही से रहने को नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बाहर यहाँ पे वो यहाँ वहाँ सोती है। नाउ लॉस्ट टू ऑल हर फ्रेंड्स, हर वर्चू फ्लेड नियर हर बिटेयर डोर शी लेज हर हेड। अब क्या हुआ, उसके जो फ्रेंड्स थे, जो भी उसके जो ब्यूटी थी और जो भी उसका घर था, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, सब कुछ उसका चला गया, उसने सब कुछ खो दिया है। और अभी अपने बिटेयर, जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने उसके लैंड ले लिया, जिन लोगों ने उसकी ज़मीनें ले ली है, उसका घर ले लिया, उसके विलेज से निकाल दिया, निकलने पर मजबूर किया, अब उन्हीं के दरवाजे पर वो अपने सर को रख के पड़ी हुई है, वहाँ पर लेटी हुई है, यानी वहाँ शहर में है और बहुत ही बुरी कंडीशन में है। सही से उसको खाने को नहीं मिल पा रहा, सही से रहने को नहीं मिल पा रहा है, सही से पीने को नहीं मिल पा रहा है। और ये उसने एक एग्जांपल ये एक गर्ल का दिया है, बाकी मोस्टली लोगों का वही हाल था जब लोग अपने विलेज में थे, बहुत खुश थे, मगर जब शहर में आ गए तो उन्हें बहुत ही तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गोल्डस्मिथ देन स्टेट्स दैट द रेसिडेंट्स ऑफ ऑबर्न हैव नॉट मूव टू सिटी बट हैव इमिग्रेटेड ओवरसीज। ही डिस्क्राइब दीज फॉरेन लैंड्स एज फॉलोज। फिर यहाँ पर गोल्डस्मिथ जो पोएट है, फिर वो बोलता है कि वो सिर्फ शहर में ही नहीं गए बल्कि वो दूसरे कंट्री पर भी चले गए, एब्रॉड में भी चले गए। और फिर बोलता है कि वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर क्या उनकी सिचुएशन थी, यानी वहाँ का जो एटमोसफेयर था वो कैसा था उनके लिए। फार डिफरेंट देयर फ्रॉम ऑल दैट चार्म बिफोर द वेरियस टेरर्स दैट हॉरिड शोर। तो बोलते हैं कि वो लोग पहले अपने विलेज में थे तो वहाँ पे बहुत खुश थे, वहाँ पे सारी चीज़ें, हर तरह का चार्म उनके लिए था, हर तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें थी, उनको जो है उनको इंटरटेन करने के लिए सारी चीज़ें थी, मगर अब वो ऐसे कंट्री में, ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर क्या है, हॉरिड शोर हैं, यानी जहाँ पर सारी परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, जहाँ पर सारी मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। दोज ब्लेजिंग सन्स दैट डार्ट अ डाउन रे डाउनवर्ड रे एंड सीरियसली शेड इनटॉलरेबल डे। और जो ब्लेजिंग सन्स है, अब ये बात करते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, यानी जब ये लोग दूसरी जगह चले गए, उन्हें सही से खाने को नहीं मिलता, सही से कोई वर्क नहीं मिलता है और सही से सोने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ का सूरज भी उन्हें बहुत तेज़ गर्मी देता है, और वहाँ पे जो कुछ भी है वो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। और ये पोएम की लास्ट लाइनें हैं, और तो यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो लोग तो दूसरे जगह पे चले गए, अपने विलेज को छोड़कर चले गए, मगर अब ये पोएट कहता है कि पोएट्री ही एक ऐसा मीन्स है जो उन लोगों को कंसोल कर सकती है, उन लोगों को तसल्ली दे सकती है। तो फिर द पोएम एंड्स विद द होप दैट पोएट्री कैन हेल्प दोज हु हैव बीन एग्जाइल।
हैं, जो लोग एग्जाइल कर दिए गए, जो लोग अपने विलेज से निकाल दिए गए, अब ये उनको पोएट्री ही उनकी हेल्प कर सकती है। यानी जब वो लोग इस पोएम को सुनेंगे या आज जब वो लोग पोएम को पढ़ेंगे तो उन्हें एक तरह का कंसोलमेंट मिलेगा, उन्हें एक तरह की तसल्ली मिलेगी। तो पोएट सेज दैट स्टिल लेट दाई वॉइस प्रिवेलिंग ओवर टाइम रिड्रेस द रिगर्स ऑफ इंक्लेमेंट क्लाइम। पोएट बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं, तो वहाँ उनका विलेज सब कुछ उनका तो ले लिया गया है, फिर भी वो बोलता है कि स्टिल दाई वॉइस प्रिवेल ओवर टाइम। यानी ये लोग जितनी मुसीबतें जितनी परेशानियाँ उठाए हैं या जो उठा रहे हैं अभी तक, उन पर अपनी वॉइस को अपनी जो ये पोएम है उससे उन सबको ढक दो, यानी उन सबको कवर कर दो, यानी उनकी मुसीबतों परेशानियों को दूर कर दो। इस तरह की पोएम लिखो कि या तुम्हारी पोएम ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पढ़कर जिसको सुनकर उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। एड स्लाइटेड ट्रूथ विद दाई परसुएसिव ट्रेन टीच एरिंग मैन टू स्पर्न द रेज ऑफ गेन। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब यह है कि ये पोएम इस तरह की होनी चाहिए कि उनके अंदर एक हौसला दे, एक हिम्मत दे कि जो भी जिन लोगों ने उनकी ज़मीनें ले ली, जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है, इट मीन्स उन्हें बेघर कर दिया है, उनको उन्हें विलेज से निकालने पर मजबूर कर दिया है, उन्हें एक तरह की हिम्मत दे, एक तरह की ताकत दे कि फिर से वो अपने जो है हक़ लेने के लिए तैयार हो जाए, या कम से कम उन्हें एक तरह की तसल्ली हो जाए जिससे उन्हें सुकून मिले। टीच हिम दैट स्टेट्स ऑफ नेटिव स्ट्रेंथ पोजेस दो पुअर दो वेरी पुअर मे स्टिल बी वेरी बेस्ट ब्लेस्ड। तो वही बोलता है कि अपनी पोएम से मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, या मेरी पोएम उन्हें बताना चाहती है कि उन्हें जो है उनमें अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है, उन्हें अभी भी बहुत ताकत है, उनमें अभी भी बहुत हिम्मत है, भले ही वो पुअर हैं, भले ही वो गरीब बहुत हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास घर नहीं है, मगर अभी भी उन्हें एक ऐसा सोचना चाहिए कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। तो ये पोएम की समरी कह सकते हैं या फिर एनालिसिस कह सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियोस को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।